सुशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के बीच भागलपुर पुलिस द्वारा पुलिस लाइन में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं इस दौरान एसएसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सार्जेंट मेजर राम इकबाल यादव सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि जिला पुलिस के जवानों ने अपने वेतन से कुछ पैसा आपस में जमा कर इन लोगों को सामग्री वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी जवानों ने स्वैच्छिक रूप से करीब 14 लाख रुपये जमा करने का लक्ष्य रखा है, जो आने वाले समय में कारगर सिद्ध होगा। अभी कोरोना वायरस का को रोकथाम करने के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण कई लोग जो अपने रोजाना जो अपना रोजगार करके कमाते थे उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है, और यह एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है, जिसको उसमें लोगों की जो समस्याएं हैं उसको थोड़ा कम करने के लिए जो पुलिस के पदाधिकारी और कर्मी हैं उन्होंने अपनी सैलरी से इसमें अंशदान किया है, और उस अंशदान करके जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसके माध्यम से सभी लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और करीब 14 लाख के आसपास इसमें इकट्ठा मतलब उसमें किया जाएगा। अभी तो उसका प्रोसेस चल रहा है, उसमें से कुछ जो पैसा भी इकट्ठा हुआ है उसके माध्यम से करीब 300 लोगों को आज यहाँ पर राहत सामग्री की का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हर एक पैकेट में सूखा राशन है, खाद्य सामग्री है, तथा साथ में कोरोना से बचाने के लिए मास्क भी है, साबुन है। इसके साथ ही एसएसपी ने बताया कि जिले में पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत आम लोग सहायता स्वरूप अपना सामान जमा करवा सकते हैं और पुलिस उनके बताए हुए क्षेत्र में जाकर सामान का वितरण कर देगी। पुलिस सहायता सेल भी खुला है, जिसमें अन्य लोग जो कि सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और भीड़ कम लगे, इसके लिए पुलिस को वो अपनी जो सहायता के लिए जो भी सामान है वो दे सकते हैं, और पुलिस उनके जो वो जो बताते हैं उस जगह पे उसको बटवा देती है। एसएसपी के माने तो लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बुजुर्ग, दिव्यांग और वैसे लोग जो लॉकडाउन के बीच बाजार में जाने में सक्षम नहीं है, वह मदद ले सकता है। ऐसे हेल्पलाइन के द्वारा दवाई सहित अन्य आवश्यक सामान को जरूरतमंदों के बीच अविलंब मुहैया कराने की बात कही। हेल्पलाइन स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से जो लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या जो विकलांग हैं, जो कि दवाई के लिए या फिर अपने ज़रूरत की सामान के लिए कहीं पे बाज़ार नहीं आ जा सकते हैं, खास करके लॉकडाउन के कारण, तो उनको दवाई भी पहुंचाने का काम कर रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भागलपुर पुलिस ने भी पूरी तरह अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में वायरस की रोकथाम के लिए भागलपुर पुलिस की पुख्ता तैयारी होने की जानकारी देते हुए एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि लॉकडाउन के बीच मुस्तैदी से कार्य करने वाले तमाम पुलिस कर्मियों के लिए करीब 3000 मास्क, 200 लीटर सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स सहित अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध करवाई गई। वायरस के जो महामारी जो फैल रही है उसको रोकने के लिए पुलिस लगातार अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद है और कार्रवाई कर रही है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं वो भी कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे रहें। इसके लिए करीब 3000 जो मास्क है
वो पुलिसकर्मियों को और पुलिस पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त करीब 200 लीटर सैनिटाइजर यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है और एक मशीन खरीदी गई है जो कि जो डिसइंफेक्शन करने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रतिष्ठानों में भी इस कार्य कर रही है, अलग अलग बैरक में अलग अलग ऑफिसर्स में जा करके वो डेली यह कार्य करती है। तो सभी जो पुलिस प्रतिष्ठान है, चाहे पुलिस केंद्र है, पुलिस कार्यालय हैं या पुलिस थाने हैं पूरे जिले के, वहाँ पर यह कार्य चलाया जा रहा है। जो क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स टीम में जो हमारे पुलिस बल हैं और जो आइसोलेशन सेंटर जो मायागंज में है वहाँ पे जो हमारे पुलिस पदाधिकारी और बल हैं उनको भी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रयास यह चल रहा है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाए और हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही SSP ने पुलिस लाइन केंद्र में अवस्थित मध्य विद्यालय परिसर में आइसोलेशन वार्ड बनाने की जानकारी दी। SSP के माने तो छुट्टी से लौटे जवानों के लिए और संक्रमण में संदिग्ध जवानों का यहां उपचार किया जाएगा। पुलिस लाइन में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है जिसमें वैसे पुलिसकर्मी जो कि कहीं पे छुट्टी से लौटे हैं तो उनको उसमें रखा जाएगा, या अगर किसी को सिम्टम्स जैसा उसमें लगेगा तो या तो अस्पताल में या यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। पुलिस लाइन की भी सफाई लगातार करवाई जा रही है, नगर निगम का भी इसमें मदद मिल रहा है, नगर निगम का भी मदद लिया जा रहा है और अन्य माध्यमों से भी उसकी सफाई करवाई जा रही है। प्रयास हमारा यही रहेगा कि सभी लोग इसमें बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। भागलपुर पुलिस पिछले दिनों तबलीगी मरकज से लौटे लोगों को चिन्हित कर और उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजने के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए SSP आशीष भारती ने बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस और विभिन्न एजेंसियों से जिन लोगों की सूची मिल रही है उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। साथ ही SSP ने कहा कि प्रारंभ में उन्हें दो लोगों की जानकारी दिया गया था जिसमें बांका जिले के और रंगरा थाना क्षेत्र के एक लोग शामिल था, लेकिन वह पहले से ही दिल्ली में क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती है। जबकि पुलिस को पुनः 10 लोगों की सूची मिली है जिसमें 5 लोग दिल्ली में ही एडमिट हैं जबकि 2 लोग पीरपैती थाना क्षेत्र के हैं जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट कराया गया है। SSP के माने तो पुलिस इस मामले में बेहद ही गंभीर है। SSP ने सभी को जल्द ही चिन्हित कर उसे क्वारंटाइन सेंटर भेज देने की बात कही है। कहाँ प्रकाश पासवान? तबलीगी मरकज के कुछ लोगों की यहाँ फिर इसमें आ गए। यहाँ के कुछ लोगों की तबलीगी मरकज में जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। चीना देवी साथ ही साथ कुछ अन्य जगहों से भी उनके आने की सूचना प्राप्त हुई थी भागलपुर में। तो अभी एक कंसोलिडेटेड सूची तो नहीं मिली है परंतु कुछ सूची जो हम लोग को उपलब्ध कराई गई है चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा या अन्य माध्यमों से, तो उसमें पहले जो सूची हमें प्राप्त हुई थी उसमें भागलपुर जिला से 2 लोग का दिखाया जा रहा था जिसमें एक बांका जिला के पाए गए थे और एक नवगछिया के रंगरा चौक थाना क्षेत्र के थे जो कि अभी दिल्ली में ही क्वारंटाइन में है। साथ ही साथ कल हम लोग को एक और लिस्ट मिली थी जिसमें 10 लोग यहाँ भागलपुर के दिखाए जा रहे थे जो कि तबलीगी मरकज में जाने की बात बताई गई थी, जिसमें से हम लोगों ने ट्रेस किया तो 8 लोग अभी भी दिल्ली में हैं और 2 लोग हैं जो कि पीरपैती थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो आए हुए हैं और उनको वो क्वारंटाइन में ही हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम लोग को डिटेल्स प्राप्त हो रहा है हम लोग सभी को वेरीफाई कर रहे हैं और सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी मेडिकल जांच हो और उनको क्वारंटाइन में रखा जाए। भागलपुर जिले में कोरोना वायरस के खतरे के देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए भागलपुर पुलिस लाइन से सिटी SP सुशांत कुमार सरोज की अगुवाई में मार्च निकालकर शहर के सभी राशन एवं अन्य दुकानों को शाम 6 बजे से पहले बंद करने का आदेश देते हुए शहर के मुख्य मार्ग पर मार्च फास्ट किया। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बीच नवगछिया पुलिस जिला में फिर गर्जी बंदूक, बेखौफ अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। यह मामला नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव में करारी तीन टंगा के कुख्यात अपराधी अखिलेश यादव के रिश्तेदार
राजभर यादव को अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से भून डाला, जहां उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गई। अपराधियों ने राजभर के घर पर ही यह घटना को अंजाम दिया। वहीं मौके पर गोपालपुर थाना की पुलिस पहुंचकर घटना की तहकीकात में जुट गए हैं। भागलपुर जिला के साकुन प्रखंड के निवासी दीपू यादव, जो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बतौर मजदूरी का कार्य करते थे, अचानक उसकी माता रेबो देवी का थ्रेसर में बाल फंसने से मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही वह बेचैन हो गया। इस लॉकडाउन जैसे विषम परिस्थिति में दिल्ली स्थित समाज सेवी मानवता की मिसाल कायम करते हुए अपनी निजी गाड़ी से दीपू यादव एवं उसके जीजा मुकेश यादव को उनके घर तक पहुंचवाई। वहीं इस घटना को लेकर उसके दाह संस्कार के लिए बिहारी कन्या मध्य विद्यालय मिर्जान हाट के वाइस प्रिंसिपल सुमन सोनी ने अपने वेतन से 5% एवं उनके पति नकुल चंद सिंह, जो SBI के रिटायर अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने पेंशन का 5% उनके परिवार को चेक द्वारा समर्पित किया। साथ ही उनके घर जाकर कर्ता के लिए खाने पीने के लिए फल की व्यवस्था की गई। झारखंड के साहिबगंज में होप फॉर कैंसर पेशेंट संस्था भी कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू कर दी है। लॉकडाउन के दौरान संस्था के बोरियो प्रखंड अंतर्गत रस्को पहाड़ एवं मठियो पहाड़ के ऊपर रहने वाले गरीब एवं असहाय के बीच आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण किया। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाली पहाड़िया लॉकडाउन के कारण ना तो या कहीं जा सकते हैं और ना ही इसकी मदद के लिए कोई आ पा रहे हैं, जिस कारण यहाँ रहने वाले पहाड़िया लोगों के परिवार के साथ साथ बच्चे भी भूख से बिलख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में होप फॉर कैंसर पेशेंट संस्था इसके लिए देवदूत बनकर इनके बीच आकर सबों के बीच खाद्यान्न सामग्री, चावल, दाल, सरसों तेल, सब्जी, बिस्किट का पैकेट, माचिस, नमक, साबुन आदि का वितरण किया और साथ ही साथ कोरोना जैसे महामारी के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया। इस संबंध में संस्था के सदस्य गोपाल कुमार, अमीन मंडल, शिवशंकर गुप्ता, भावेश नारायण ठाकुर, विक्की कुमार के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। हम लोग के लिए खाने का दिक्कत है, बाहर से नहीं निकलने के लिए बोल दिया, फिर शब्द पति कहाँ से लाएंगे, हम लोग शब्द भी नहीं है घर में, बहुत कष्ट जी रहे हैं हम लोग। झारखंड के साहिबगंज में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर मीडिया से बात करते हुए समाज सेवी व भाजपा नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गरीब और असहाय व्यक्ति बड़ी कठिन समस्या से गुजर बसर कर रहे हैं। इसी को लेकर मैं भाजपा के सिपाही बनकर सैकड़ों गरीब व असहाय निर्धन व्यक्तियों को सहायता करने के लिए मोदी आहार और मोदी दक्षिणा के साथ देने की बात कही। बजरंगी प्रसाद यादव ने इस आपदा में हर संभव गरीब को सहायता देने की भी बात कही। कोरोना वायरस से जो भारत में लॉकडाउन के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग कामगार जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, वैसे लोगों के लिए भुखमरी की गवार पड़ रहे हैं। और मंगल के बाद एक नया स्कीम चलाएंगे मोदी आहार और मोदी दक्षिणा के तौर पर। वैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जनहित में आंदोलन हुआ है, जिसे हम लोग 32 वर्षों के राजनीतिक जीवन है, तो 32 वर्षों में जो हमारे 10 बार कम से कम हमारा आंदोलन में साथ देने के लिए आया हो, वो जनहित के आंदोलन हो, बिजली आंदोलन हो, या कोई भी समस्या को लेकर जनहित में जो आंदोलन किए हैं, उस आंदोलन में अगर जो साथी हम लोगों को साथ दिया है 10 बार कम से कम आया हो, वैसे 10 बार वाले जो साथी हैं उनके घर जाएंगे और मोदी आहार मोदी दक्षिणा हम देंगे और उसको सम्मानित करेंगे और उसको बुरे वक्त पर साथ देंगे। 9 बजे से 9 मिनट तक भजन कीर्तन और दीपक जलावें और भजन कीर्तन करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसे
विकट परिस्थिति से हमें उबारे, यही हम लोगों से आप लोगों से भी माध्यम से कहना चाहेंगे। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बने, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।